हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जीतू फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। चलिए देखते हैं आज अर्थिंग टेस्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने एक अर्थपीट पे ले रखा है इसलिए, और ये रहा हमारा मीटर, बाकी केबल हम लगा दिया है वहाँ तक। चलिए पहले देखते हैं कनेक्शन। ये रहा हमारा, ये जो अर्थिंग पैड में लगा हुआ है अर्थपीट में, और पी जो 10 मीटर में लगा है, और सी करंट जो 15 मीटर में हमने लगा दिया, ये रेड वाला 15 मीटर में हमने लगा दिया है। चलिए देखते हैं, और इसको पीट बोला जाता है और इसको ग्रिड। ठीक है, ग्रिड मतलब टोटल इंटरकनेक्टर जो होता है ना हमारा अर्थिंग प्लांट में, एक ही तो अर्थिंग नहीं होता है, बहुत सारे अर्थिंग पेट होता है, तो आपस में इंटरकनेक्टर रहता है, उसी को हम ग्रिड बोला जाता है। जैसे ये वाला दो पट्टी आया है ना, इसको ग्रिड बोला जाता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे लगाया है। ये रहा हमारा येलो वाला पावर वाला जो केबल है वोल्टेज, ये हमने 10 मीटर पे कनेक्ट किया है। ये एक रॉड डाला है अंदर जमीन के अंदर, और उसमें ये क्लिप लगाया है। और जो रेड वाला केबल है करेंट, उसको हमने 15 मीटर पे लगाया है, तो सेम डिरेक्शन में, डिरेक्शन जो हमारा है वो सेम होना चाहिए, एक ही डिरेक्शन में। तो अर्थपीट हम इसलिए लगा देते हैं कि करंट को जो भी ग्राउंड होता है वो उसको लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए, इसीलिए हम लोग अर्थ टेस्टिंग करते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं फिर। ये देखिए हम 20 ओम पे सेट किया है, इसे टेस्ट पर अब टेस्ट हो रहा है, 12 ओम आ रहा है, जो कि बहुत ख़राब आ रहा है। हीट का वैल्यू जो है बहुत ही ख़राब आ रहा है, क्योंकि हमारा 1 ओम के नीचे आना चाहिए, मतलब पीट अंदर से टूटा हुआ है या फिर वो रस्टेड होके ख़त्म हो गया, इसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया, नया पीट डालना पड़ेगा। चलिए अभी टेस्ट करते हैं ग्रिड का। ग्रिड मतलब टोटल इंटरकनेक्टेड जो होता है उसी का टेस्ट करेंगे। शायद कनेक्ट नहीं हुआ है अच्छे से। ये हमारा ग्रिड जो है लगभग ठीक ही है, 3 ओम के नीचे आना चाहिए, वो 2.3 आ रहा है हमारा, मतलब सही है हमारा, लेकिन सॉल्ट ट्रीटमेंट के बाद और थोड़ा कम हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा। तो दूसरा चेक कर लेते हैं ग्रिड वैल्यू। ये भी उतना ही आ रहा है, 2.3 के आसपास, ये दोनों इंटरकनेक्ट रहता है ना, तो वैल्यू मतलब हमारा सही है, 3 ओम के नीचे आना चाहिए, और 3 ओम के नीचे ही हमारा आ रहा है। और अभी ट्रीटमेंट हुआ नहीं है अर्थपीट, अभी टेस्टिंग हो रहा है, और सॉल्ट ट्रीटमेंट होने के बाद हमारा जो है 1 ओम के अंदर ही आ जाएगा लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पीट है हमारा ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, क्योंकि 11 ओम आ रहा है ना, 1 ओम के नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये अंदर से टूटा हुआ है। चलिए दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।